यहाँ देखिए दोस्तों, सब लोग हो जाओ, एक मिनट शॉर्ट बनाओ और सब बहने मिलके रुकिए, हम बोलेंगे तब काटना। दो ढाई, अभी नहीं काटना है, भाई बोले भाई, चलिए एक दो, एक दो तीन, चलिए काटिए, ताली बजाई। दोस्तों यहाँ पे केक महाराज की जो है अंतिम इच्छा पूरी, उसमें ऐसे बनाना, हमारे बनाना हो कट जाएगा, हो जाएगा ऐसे बनाना शॉर्ट। चलिए शुरू करें। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मिस्टर विष्णु राज आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमारी बेबी, नमस्कार दोस्तों, मैं मालती चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों इधर आरती जी थोड़ा कुछ पीछे नहीं, पीछे रहिए ना, पीछे। क्या बोल सकते हैं, हम बोलने से मजबूर हैं, आप लोग का इतना रिक्वेस्ट हुआ कि हम यहाँ पे आए हैं, तो आप लोग फिर हम बार बार यही सबसे बोलेंगे कि गलत कमेंट कभी मत कीजिएगा। दोस्तों हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग गलत कमेंट मत करिए, क्योंकि हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए हैं, तब बेचारी आई हैं यहाँ बाहर, तो आप लोग कमेंट गलत मत करिए। मैं कहना चाहता हूँ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता। ध्यान से सुनिए कि अरे यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता हो, और दिल में हो कितना दर्द लेकिन भरी महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। ये दुनिया का रीत है साहब, और यहाँ पर हंसते हुए चेहरे को सब लोग सलाम करते हैं, रोते हुए चेहरे को सब लोग सिर्फ वही चीज करते। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग आए हैं गोरखपुर के धरती से, जो कि हमारा जिला है संत कबीर नगर, यूपी से बिहार में आए हैं, एक मुरझाए हुए चेहरे को, एक मुरझाए हुए फूल को पानी देके खुश करने के लिए। और दोस्तों सभी लोग सिर्फ निगेटिव बातें सोचते हैं, मैं हूँ जो मैं उस चीज को देखा हूँ कि सुख दुख सही गलत दिन रात सब एक पहलू हैं, और इस चीज को लेके दोस्तों मैं आया हूँ आरती जी के घर, आरती जी को खुशी देने। इसके पहले एक बार मैं आया था तो माता जी थी, और आज मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ माता जी को कि आज जो भी हो, इसके पहले माता जी भी हमें बहुत ही सादर आमंत्रित की थी प्यार से। तो आज इस परिवार में मैं एक छोटा सा केक लाया हूँ इस खुशी में कि आज भगवान करें कि हमेशा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, लोगों को हमेशा खुश रखें, और आप भी खुश रहिए। क्योंकि देखिए जिंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, यहाँ तक भगवान श्री रामचंद्र जी को सब कुछ रहने के बाद भी 14 साल वनवासी बन के जीना पड़ा था और दर दर भटकना पड़ा था। तो आज देखिए आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज लोगों का प्यार इतना है, और माता जी को मैं पहले ही बोला था कि यदि एक बेटा गया तो लाखों बेटे तैयार है माता जी के लिए, माफी चाहता हूँ अगर बुरा लगा हो। और आपके लिए मैं लाया हूँ गोरखपुर से एक छोटा सा केक, जो कि आपके हाथों से इसका खंडन होगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और आज आरती जी को एक मालती की तरफ से प्यारा सा गिफ्ट दिया जाएगा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं भी दोस्तों किसी को गिफ्ट देने जा रहा हूँ, देने लायक हूँ, रियल बता रहा दोस्तों। इसके पहले मैं लोगों से सिर्फ भीख मांगता था, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आज मैं मांग नहीं रहा हूँ, आप लोग कर दीजिए बस। और चलिए सबसे पहले इधर से निकालते हैं रामपुरी और इसमें बाहर लगा देते हैं। आरती जी लीजिए और कृपया इस केक का वध करिए, उसके बाद आगे होगा तो देख सकते हैं। सर यहाँ देखिए दोस्तों, सब लोग हो जाओ, एक मिनट शॉर्ट बनाओ और सब बहने मिलके रुकिए, हम बोलेंगे तब काटना। लागे मत की। एक दो ढाई, अभी नहीं काटना है, भाई बोले भाई, चलिए एक दो, अरे नहीं काटना, अभी काटते हैं, एक दो तीन, चलिए काटिए, हमें अकेले ताली बजाई। तो दोस्तों यहाँ पे केक महाराज की जो है अंतिम इच्छा पूरी हो गई है, और एक बार हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए, और एक बार हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए, खिलाइए खिलाइए, खाइए खाइए खाइए, आरती खाइए,